बुलबुल कुमार का एडमिट कार्ड कैंसिल होगा, उसका टाइम बस पढ़ाई में रहेगा। हाँ पढ़ाई में रहेगा। कमाल है, साला नाम तक नहीं बता रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं Z5 पर आई मूवी परीक्षा की। जैसा इस मूवी का नाम है वैसी ये मूवी है। कहानी शुरू होती है रांची के एक रिक्शा वाले के बेटे बुलबुल कुमार से। बुलबुल कुमार पढ़ने में काफी अच्छा होता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि वो उसे स्टेट बोर्ड से निकाल कर CBSE बोर्ड में डालेंगे। वहाँ का एक लोकल स्कूल होता है CBSE बोर्ड का, उस स्कूल का नाम होता है सफायर। सफायर स्कूल के अंदर आसपास के सभी रिच और पॉपुलर लोगों के बच्चे जाते थे। बुलबुल कुमार का फादर सफायर की स्कूल फीस, एडमिशन फीस, डोनेशन और सारी चीजों का कैलकुलेशन करता है। वो पता करता है कितनी फीस जाएगी, कितना डोनेशन जाएगा। बच्चे का एडमिशन कराने के लिए वो दुनिया भर के काम करते हैं। उसके वाइफ भी फैक्ट्री के अंदर ओवरटाइम काम करती है, वो भी दिन रात रिक्शा चलाता है। और किसी तरीके से वो लोग अपने बच्चे की स्कूल फीस और एडमिशन फीस और बाकी सारे खर्चों के लिए पैसे जुटा लेते हैं। अब बात आती है एडमिशन कराने की, लेकिन रिक्शे वाले का बेटा होने की वजह से उसको एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि वहां पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक रिक्शे वाले के बच्चे के साथ उनका बच्चा पढ़े। ना ही स्कूल चाहता था कि एक रिक्शे वाले का बेटा उनके स्कूल में पढ़े। जिसके बाद वो रिक्शे वाला अपने बेटे को लेकर प्रिंसिपल के पास जाता है। प्रिंसिपल उस बच्चे को देखकर बोलते हैं, एक काम करो, इस बच्चे को स्कूल में लेके आओ, हम इसका टेस्ट लेंगे, अगर क्लियर हुआ तब बात करेंगे। स्कूल में आने के बाद जब उसका टेस्ट होता है तो वो हर एक क्वेश्चन का सही जवाब देता है और फिर वहाँ पर उसका एडमिशन हो जाता है। धीरे धीरे वो वहाँ के माहौल में ढलने लग जाता है। वो बाकी बच्चों को बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, बाकी बच्चे उसे इंग्लिश सिखाते हैं। लेकिन इन सब के बीच बुलबुल कुमार का फादर अपने बेटे की फीस भरने के लिए सिर्फ रिक्शा ही नहीं चला रहा था, वो चोरियां भी कर रहा था। क्योंकि सिर्फ रिक्शा चलाने से या उसकी वाइफ का फैक्ट्री में काम करने से उसके बच्चे की स्कूल फीस नहीं अरेंज हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो चोरियां करना शुरू करता है। और फिर एक दिन वो पकड़ा जाता है, उसे अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ दिन तक उसका कुछ पता नहीं चलता कि कहां गया और सब उसको ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जिस आदमी से वो रिक्शा वाला रिक्शा किराए पर लेकर चलाता था, उसको पता था कि रिक्शा वाला जेल में है। लेकिन वो ये बात ना तो उसकी बीवी को बताता, ना बच्चे को बताता, ना किसी और को, क्योंकि वो रिक्शा वाला खुद मना कर देता है किसी को बताने से। फिर उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और उस रिक्शा वाले को पेश करा जाता है SSP के सामने। SSP उससे बात करते हैं, उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछते हैं, वो कुछ नहीं बताता। उसके साथ मिले सामान और कुछ पर्चियों में से सफायर स्कूल की किसी तरीके की स्लिप मिलती है, वो स्लिप बुलबुल कुमार नाम के बच्चे के नाम पर फटी होती है। वैसे भी सफायर स्कूल में जाता है, बुलबुल कुमार की डिटेल्स निकलवाता है। वो वहाँ पर जाने के बाद ये देखता है कि बुलबुल कुमार कितना अच्छा पढ़ सकता है, वो आगे बहुत कुछ कर सकता है। जिसके बाद वो वहाँ पर डेली आता था और वहाँ के चौल के बच्चों को आगे पढ़ाने लग जाता है। ये चीज जैसे ही वहाँ के विधायक को पता चलती है, विधायक को अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आती है। उससे डर लगता है कि कहीं ये पॉलिटिक्स में ना उतर आए, जिस वजह से वो विधायक मीडिया लेके आ जाता है SSP को महान दिखाने की कोशिश करने के लिए, एक तरीके से पॉलिटिकल गेम खेलने की कोशिश करता है। लेकिन वो SSP बोलता है अभी इन बच्चों को पढ़ने का, क्योंकि अभी इन बच्चों के दिमाग में पब्लिसिटी दिख गई ना तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। आगे जैसे बच्चे एग्जाम क्रॉस कर लेंगे, मैं खुद बोलूंगा कि मुझे इंस्पिरेशन आपसे मिली है। और वो कुछ समय बाद वो विधायक और बाकी लोग आते हैं उस SSP के पास और बोलते हैं, हम एक कोचिंग सेंटर खोलेंगे, एक बिजनेस शुरू करेंगे, आप वहाँ पर पढ़ाना, ये वो दुनिया भर की बातें बताते हैं। लेकिन वो SSP मना कर देता है, जिस खुंदक में वो विधायक उस SSP का ट्रांसफर करवा देता है। लेकिन जाने से पहले वो बुलबुल कुमार के फादर का केस क्लियर करता है और उनको जेल तो होती ही है क्योंकि उन्होंने क्राइम तो करा था। लेकिन वो बुलबुल कुमार को समझा के जाते हैं कि तुम्हें पढ़ने की कोशिश करनी है, तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे फादर ने जेल तुम्हारे पढ़ने के लिए काटी है। लेकिन ये चीज जैसी मीडिया में फैलती है कि एक चोर रिक्शे वाले का बेटा सफायर स्कूल के अंदर पढ़ रहा है और वो टॉपर है, तो सफायर स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करता है कि बुलबुल कुमार को निकाल दिया जाएगा स्कूल से। लेकिन फिर प्रिंसिपल बुलबुल कुमार को बुलाती है, वो अपनी बात रखने की परमिशन देती है। बुलबुल कुमार सिंपल बात बोलता है कि सर चोरी मेरे फादर ने करी, मैंने नहीं करी, और मैंने अपनी पढ़ाई अपना एग्जाम से ईमानदारी की है। हाँ मैंने माना कि मेरे फादर ने चोरी करी, लेकिन वो अपनी सजा काट रहे हैं, इस स्कूल ने मेरे लिए इतना कुछ करा है, वक्त आ गया कि एक क्लास के टॉपर होने के नाते मैं अपने स्कूल का नाम रोशन करूं। फिर से प्रिंसिपल उसका सपोर्ट करते हुए बोलती है, तुम घर जाओ एग्जाम की तैयारी करो, तुम्हें कोई स्कूल से नहीं निकालेगा। बुलबुल कुमार घर जाता है, एग्जाम की तैयारी करता है और फाइनली वो लड़का टॉप करता है। ये मूवी पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। बच्चों को इस मूवी को देखकर ये समझ आएगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, और जो पेरेंट्स बच्चों को कम उम्र से ही काम में लगा देते हैं, ये मूवी उन पेरेंट्स के लिए होगी कि पेरेंट्स को बच्चों को शाइन करना चाहिए, ना कि उन्हें डुबाना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।